गाइस यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का 19 मई को जो मैच था गुवाहाटी में राजस्थान का होम ग्राउंड पे, तो बेसिकली देखो इसका जो मैच नहीं हुआ था, एक एक पॉइंट मिल गया था एंड मैच जो है बारिश की वजह से कैंसिल हो गया था। तो बेसिकली देखो यहाँ पे अगर आप टिकट बुकिंग किए हो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन पे, तो आपको टिकट का पूरा पैसे रिटर्न मिलेगा, आप रिफंड पा सकते हो। उसका प्रोसीजर क्या है सिंपली बता दूँ, इसका टिकट अगर आप बुक माई शो का ऑनलाइन पे या तो फिर बॉक्स ऑफिस से कलेक्ट किए हो या टिकट बुकिंग किए हो पैसे देके, तो आपको कैसे रिफंड मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन पे, जिसने भी ऑनलाइन पे टिकट बुकिंग किया था, देखो यहाँ पे बता रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे इसका प्रोसेस शुरू हो गया, 5 से लेकर 7 दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट या तो फिर अगर आपने और कहीं से पेमेंट किया था क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो वहाँ पे पहुँच जाएगा। देखो ये कल से प्रोसेस शुरू हुआ है, किसी किसी को मिल गया है, किसी किसी को आज मिलेगा, बाकी जो है 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। एंड आपको व्हाट्सएप में या तो फिर आपको मैसेज मेल पे चेक करते रहना, वहाँ पे मैसेज पे मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं, रिफंड विल बी इशूड फॉर द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट ओनली एंड विल बी क्रेडिटेड टू द ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को ऑनलाइन पे अगर आप टिकट बुकिंग किए बुक माई शो से, तो आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को जस्ट वेट करना है 7 दिन मैक्सिमम। इसके बाद 7 दिन के बाद भी अगर नहीं मिलता तो ऑब्वियसली आपको बुक माई शो का कस्टमर केयर में बात करना है, चाहे फोन करके चाहे चैट करके या मेल करके भी बात कर सकते हो। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि 7 दिन के अंदर 3-4 दिन में मिल जाएगा, आज से अगर काउंट करोगे तो यहाँ पे 3-4 दिन में मिल जाएगा, तो यहाँ पे तो कोई झामेला नहीं है, ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। बट गाइस बात करते हैं, जिसने भी ऑफलाइन पे यहाँ पे गुवाहाटी स्टेडियम से बुकिंग किया था, उन लोगों के लिए रिफंड जो प्रोसेस होगा, ऑब्वियसली आपको बॉक्स ऑफिस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे बॉक्स ऑफिस जो एड्रेस देके रखा है, देखो द ACA स्टेडियम बॉक्स ऑफिस Gate No. 1B, ठीक है, ऑन May 23 and 24, 23 तारीख 24 तारीख को मई का दोपहर 12 से लेकर शाम 7 बजे के अंदर जाना है एंड आपको फिजिकल टिकट जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और फिजिकल टिकट के बिना आप जो रिटर्न नहीं पा सकते, तो फिजिकल टिकट आपको मस्ट भी रिक्वायर्ड होगा एंड आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहां पे लिखा हुआ फिजिकल टिकट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर रिफंड टू द वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द टिकट एंड द कस्टमर, ठीक है। मतलब फिजिकल टिकट आपको वहाँ पे पक्का देना पड़ेगा। तो आप कितना भी बुक किए हो 1 से लेकर 10 के अंदर, आप जो है सभी टिकट को सबमिट करना पड़ेगा, जितना टिकट आप सबमिट करोगे उतना आपको टिकट का रिफंड मिलेगा, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर आप 2 टिकट बुक किए, 1 का जमा कर पाए 1 का नहीं कर पाए फिजिकल टिकट, तो आपको 1 ही टिकट का रिफंड मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और फिजिकल टिकट का थोड़ा सा झामेला है, 23 तारीख 24 तारीख आज फिजिकल टिकट देखो बहुत सारा जो है फाड़ के फेंक देते हैं, तो यहाँ पे देखो इस टाइप का जो है इनवैलिड टिकट हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल भी फाड़ दिए टिकट को मिडिल बराबर, तो यहाँ पे जो है वैलिड नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर आपका टिकट थोड़ा सा फटा हुआ है या कुछ पार्ट गुम हो गया, तो ये रिफंड हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। देखो पैसे कैसे मिलेगा कुछ भी आइडिया नहीं है, मे बी वहाँ पे कैश मिलेगा या आपको अकाउंट में होगा क्रेडिट, तो कुछ भी आइडिया नहीं है, आपको जाके देखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से 19 तारीख का मैच का टिकट आप जो है रिफंड पा सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन के लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिसने भी ऑफलाइन में बुक किया 23 तारीख 24 तारीख आपको जाके आज या कल जाके आपको दोपहर 12 से लेकर शाम 7 बजे के अंदर जाके फिजिकल टिकट जमा करना है, आपको उसके बाद टिकट का रिफंड मिलेगा, ठीक है। एंड ऑनलाइन का तो ऑटोमेटिक 7 दिन के अंदर आ जाएगा।